Set A we are, set B we are going to discuss. Set B. Question number 17 देखो. Yes. कॉपी निकालो, पेपर निकालो, कहां पे आपका. टेक आउट योर क्वेश्चन पेपर्स एंड रफ कॉपी ऑल्सो. जो आपके सेट में नहीं है वो क्वेश्चन नोट करोगे आप और सॉल्व भी करोगे अभी. मैं क्वेश्चन बोल दूंगी, एक मिनट. जो बोलेगा उसकी टर्न पहले आएगी बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है. पीछे चल. हाँ जी, किधर किधर, यहाँ वहां इधर उधर, क्या है. उठो उठो उठो, वो इसके पीछे बैठे. हाँ जी लक्ष्य माँ को कॉपी निकल गई है. पेपर है तुम्हारे पास, पेपर है. आपको पता था ना डिस्कस होने, पेपर लेके आने चाहिए थे ना आपको. आपके पास है ये, तुम्हारा है ये, तो इसने दिए. तुम रख लो भाई प्लीज, तुम रखो ये दे दो. कौन सा है, चलो ये कर लेते हैं. सेट ए देखो, 17th क्वेश्चन. दोनों हो जाएंगे. ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी पार्ट. ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. 18th, a ray of light traveling in air falls obliquely on the surface of a calm pond. ये obliquely का मीनिंग क्या होता है, किसी एंगल पे. नॉर्मली मतलब होता है परपेंडिकुलर, obliquely मतलब किसी एंगल पे. बच्चे पेपर में ये मीनिंग पूछ रहे थे, बताओ. अब पेपर में इंग्लिश मीनिंग थोड़ी ना बताएंगे आपको, ऐसे थोड़ी होता है. ऑब्लीकली मतलब किसी एंगल पे. रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ वॉटर पॉन्ड, तो क्या होगा. इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल. सी पार्ट है इसका आंसर, ठीक है. उसके बाद 19th क्वेश्चन. पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 diopter P1. पावर ऑफ कंकेव लेंसेज 2 diopter. क्योंकि कंकेव है तो माइनस आपने खुद यूज करना है, माइनस नहीं लगाया तो न्यूमेरिकल रॉन्ग. व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, पीएस P1 प्लस P2 प्लस प्लस 3 diopter. डी पार्ट वॉज द आंसर फॉर 20th. A concave mirror of radius 30 centimeter is placed in water. Its focal length will remain the same. Mirror की focal length पे कोई effect नहीं होता अगर हम इसको water में रखते हैं. But दूसरे set में था lens. Lens की focal length water में increase होती है 4 times वो भी. चलो वहां पे आपको factor नहीं पूछा था, पर increase होगी focal length of convex lens when kept in water. ये हमने क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था. जब बच्चे स्कूल आना बंद हो जाते हैं, कम से कम वीडियो तो देख सकते हैं ना घर पे रिवीजन में. रिवीजन टाइम पे हमने डिस्कस किए थे ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस टाइप के. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड इफ लोअर हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ब्लैकेंड. देखो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि लेंस को ब्लैकेंड कर दिया तो क्या फुल साइज की इमेज बनेगी, क्वेश्चन ये था, ठीक है. पर बस उसकी ब्राइटनेस कम होगी, अदरवाइज इमेज फुल साइज की बनेगी. यहाँ पूछा गया कि इमेजेस कितनी बनेगी, तो बनेगी तो एक ही है ना, तो 1 इमेज. फर्स्ट पार्ट वॉज द आंसर. 22nd क्वेश्चन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2.
Then what is the refractive index of air with respect to glass? 2/3 है ना. तो ये इसका बी पार्ट था आंसर. 23rd, ये 22 था, अब 23. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. द मिरर इज लाइकली टू बी व्हाट? ईदर प्लेन और कन्वेक्स. अभी कोई साइज की बात नहीं की है उन्होंने, ठीक है. जो उससे पहला पेपर था ना, जब आते ही स्कूल आपके पेपर हुए थे, उसमें साइज की भी बात थी. वो पेपर जरूर ट्राई करना, उसमें ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन थे. 24. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है. म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी फॉर्मूला. सो वी इज सी बाय म्यू. सी दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 या 1.5. सो आंसर इज पार्ट बी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सीधे बैठो. Assertion reason 34. Assertion है a concave mirror is used by dentist. Reason है concave mirror can give enlarged image of given object. बताइए कौन सा आंसर है? कैसे? Explain. उधर A A बोल दिया तो A. सुना है नहीं क्वेश्चन? हाँ जी रिद्धम आप बताओ. कंकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, वेदर इस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, पहले ये बताओ. करते हैं कंकेव मिरर यूज डेंटिस्ट, क्यों करते हैं? हाँ तो रीजन है कंकेव मिरर कैन गिव इन लार्ज इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. तो ट्रू है. हाँ तुमने कहा मैग्निफाइड और उन्होंने भी यही बोला, इसका मतलब उसका रीजन यही था. ए है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसके बाद 39. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन थर्ड कलर फ्रॉम टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम विल बी द कलर ऑफ स्काई. तो जिसमें प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है ना, वो है बी पार्ट. जिसमें प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आएगा ना. तो थर्ड कलर फ्रॉम द स्काई इज ब्लू, और वो टॉप में से तब आएगा जब हम प्रिज्म को उल्टा रखेंगे. अगर सीधा रखेंगे तो वो तो बॉटम से थर्ड आएगा, टॉप से थर्ड नहीं आएगा. बी पार्ट इज द आंसर. 40th वाज आई थिंक द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर यू. 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ. 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर है बी. कल कोई बच्चा आया था ये कहने की 1/100 सेंटीमीटर आंसर है. वो तो तब होगा ना जब 1 डायोप्टर पूछा हो, तब होगा. यहाँ तो स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है. ये पावर, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर. बी है इसका आंसर. तो यहाँ तो स्टेटमेंट दी हुई है, डेफिनेशन है 1 डायोप्टर की, उसमें 1/ थोड़ी लिखोगे. बी पार्ट इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब कई बच्चों ने पेपर में मुझसे पूछा था कि ये तो सारे ही लग रहे हैं, नहीं दो लग रहे हैं करेक्ट, दो लग रहे हैं. दो कैसे लग रहे हैं? देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ. विच इज करेक्ट, सिर्फ एक करेक्ट है.
कौन सा करेक्ट है? तो बच्चे मुझे पेपर में कह रहे थे कि दो करेक्ट हैं, गलत है क्वेश्चन, ऐसे है क्या? ये करेक्ट है? क्यों नहीं है करेक्ट? रे फोकस में से नहीं जा रही, कहीं से भी जा रही है अकॉर्डिंग स्टैंड बाहर आ जाओ, आप बाहर आओ। अकॉर्डिंग टू द रूल इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, वो नहीं फॉलो हो रहा। अगेन वही रूल, 2f में से नहीं f में से जानी चाहिए, यहाँ 2f में से जा रही है, अगर फोकस में से आती लग रही है तो पैरेलल जाएगी। ये सेकंड रूल था, कंकेव लेंस के लिए सेकंड रूल है, तो ये वाला करेक्ट था। तो इसका आंसर था सी पार्ट। 44th, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड मेंशन द कलर एट नंबर 6। 6 नंबर पे कौन सा होता है? ऊपर से नंबरिंग की हुई है, इसको बोला है उन्होंने 6। तो ये रेड है, ये ऑरेंज है, तो आपका आंसर है ऑरेंज। इधर आ, एक मिनट, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बस मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, बाहर आओ, यहां नहीं बैठना, गेट अप, गेट अप। नेक्स्ट है मिरर्स यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स। अब तुम हो कॉमन फैक्टर, चुप कर जाओ। द मिरर्स यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स आर कौन से हैं? कंकेव, कन्वेक्स, पैराबोलिक, प्लेन। कंकेव, दूसरे सेट में भी कंकेव ही था, सिमिलर क्वेश्चन था वहां पे। क्वेश्चन, इफ यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, देन करेक्ट फॉर्मूला, मतलब लेंस फॉर्मूला पूछ रहे हैं, कौन सा है? ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था, दूसरे सेट में थोड़ा सोचने वाला था, मिरर फॉर्मूला पूछा था, यहाँ पे तो ठीक था। ये था आपका इस सेट का आंसर ए, दूसरे सेट में ये आंसर है, ये तब बिसम का है। तो आप अटेंडेंस लिख के बैठे हैं, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, जो भी। अब एक मिनट, इधर ध्यान दो, F फिजिकल टू R बाय 2 होता है ना, तो यहाँ पे R बाय 2 को इन्वर्ट किया, मतलब 1 ओवर F है, यहाँ पे 1 ओवर F इज 1 ओवर U प्लस 1 ओवर V, ये ठीक है, ठीक है। देखो उसको भी कंफ्यूजन हो गई, ही सेड कि डी पार्ट करेक्ट है, 1 ओवर U प्लस 1 ओवर V इक्वल टू 1 ओवर R, 1 ओवर R नहीं 1 ओवर F होना चाहिए था, और F इज इक्वल टू R बाय 2। क्वेश्चन नंबर 47, इफ इन द केस ऑफ अ ग्लास स्लैब फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्लैब के लिए कौन सा ठीक नहीं है इनमें से, आपको बताना है। कौन सा करेक्ट नहीं है? एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई नहीं है, ठीक है। 48, ये केमिस्ट्री का है, बस अब आपका है लास्ट में 57 केस स्टडी, ये भी डिस्पर्शन पे ही था। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यूज्ड बाय प्रिज्म टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम इज व्हाट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पार्थ स्टैंड अप, आंसर बताओ। टू
द मोस्ट सुटेबल मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ग्लास प्रिज्म इज, स्टैंड अप, आप क्लास में हो, आपको पता ही होगा कौन सा नंबर है, है ना? यू आर सो अटेंटिव एंड यू हैव टर्न्ड योर फेस दैट साइड एंड यू आर डिस्कसिंग द पेपर, तो ये तो आपको पता ही होगा कौन से नंबर पे है, बताओ। हाँ चलो बताओ आंसर क्या है। हाँ ग्लास, अच्छी तरह से बोलो, लाउडली बोलो। हाँ एक बार और बोलो, गुड। चलो 59 बताओ, 59। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स, ऑल ऑफ द अबव, सारे एंगल्स पे डिपेंड करता है, बैठ जाओ। आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला फॉर्मूला के एंगल ऑफ डेविएशन का, बैठ जाओ। न्यू माइनस वन इंटू ए किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और म्यू, म्यू फर्दर आई पे डिपेंड करता है अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू, म्यू पे भी डिपेंड करता है, तो ऑल दी अबव आएगा। द मोस्ट डेविएटेड कलर इज वायलेट, मोस्ट डेविएटेड कलर इज वायलेट, जो बॉटम पे आ रहा है सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। अब दो सेट बी पैरेलल है बिल्कुल, कोई औखा नहीं। सेवेंटीन, द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ, बताओ आंसर, सनराइज और सनसेट, दिस इज ड्यू टू व्हाट, यहाँ ऑप्शंस कुछ और हैं, मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट देन रेड लाइट, मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट देन ब्लू लाइट और व्हाट, एक मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट देन रेड लाइट, रेड लाइट कम स्कैटर हुआ है इसलिए वो रेड दिखता है बाद में, इसका आंसर है ए। सो दिस वाज अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, ये डायरेक्ट नहीं था, सोचना था इसमें आपको। पीछे एटीन, व्हाइट लाइट, हाँ जी शुड आई, white light falls on a glass prism, the least deviated color is red. 19, power of concave lens is 5 diopter, concave है तो power negative आएगी, और convex lens की है 3, power of combination -5 + 3 = -2, क्योंकि प्लस टू वाली ऑप्शन भी है, माइनस टू वाली भी है, इसका मतलब आपको साइन का ध्यान रखना था। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, ए पार्ट, डिक्रीज तब होती है अगर हम इसको हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में रखें, के मीडियम में रखें, तो डिक्रीज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्लिसरीन का तो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट 1.5 ही होता है उसका रिफ्रैक्टिव, उसमें तो डिसअपीयर हो जाता है। बच्चे एक चीज और नोट करिए, अगर सॉलिड और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो सॉलिड विल डिसअपीयर इन द लिक्विड, वो दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब को ग्लिसरीन के अंदर रखोगे तो वो ज्यादा दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी। ये नोट कर लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड सेम है तो सॉलिड डिसअपीयर हो जाता है लिक्विड के अंदर, ठीक है।
ओके तो यहाँ पे आंसर आना था इंक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज व्हेन लेंस इज कैप्ट इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कांट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? क्ले. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4. इमेज फॉर्म्ड बाय कंकेव मिरर is observed to be virtually erect and larger than the object. The object must be placed where? ये concave mirror का last वाला case है between focus and optical pole and optical center. D part is concerned. Light enters from air to water having refractive index 4/3. Speed of light in water is 2.25 × 10⁸. वही mu is equal to c/v. जैसे हमने ग्लास की निकाली थी वैसे वाटर की निकालनी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 assertion reason. A convex mirror is used as driver's mirror. क्योंकि convex mirror has wide field of view and forms direct image. A part. दोनों करेक्ट है, उसका रीजन भी है A. 34 assertion reason A की क्वेश्चन है फिजिक्स का. 39 which of the following is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? ओ में से गया ये. बच्चों को इसमें डाउट हो रहा था कि ऐसे नहीं जाती है, ओ में से स्ट्रेट ही जाती है चाहे लेंस कोई भी हो. एरो जिधर मर्जी हो एरो ठीक है, एक एरो डाला हो हाँ इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, स्ट्रेट जाएगी चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए, ओ में से स्ट्रेट जाएगी. सेकंड ये देखो क्यों ये ओ में से है ना, तो रूल यही है ना ओ में से जाएगी, ये तो कॉपी पे ड्रॉ भी करवाया हुआ है आपने. ओ में से जाएगी तो सीधी जाएगी हमेशा चाहे लेंस कोई भी हो. इसका आंसर क्या है? सी. नहीं करेक्ट, नॉट करेक्ट, हाँ सी है इसका आंसर. सी नहीं है क्योंकि ये फोकस पे होनी चाहिए तभी पैरेलल जाएगी, ये फोकस पे नहीं है. आपका सी ही इनकरेक्ट है दोनों सेट में. 40th स्टडी द डायग्राम एंड कलर ऑफ लाइट एट पोजिशन 5. वही वाला डायग्राम है. 5 नंबर पे कौन सा कलर है? नीचे से देखो ब्लू है ये, बॉटम से 3rd नंबर पे है ब्लू कलर है, ब्लू हाँ तो 5 का ब्लू है ना. 43 एक मिनट, तुम्हारे पास पेपर है? पेपर नहीं है ना तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 यहाँ से है, यहाँ से तो फिर वो 3rd फ्रॉम बॉटम हुआ, ब्लू कलर है. 43rd मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर अगेन कंकेव. 44 इन विच केस नो डिस्पर्जन टेक्स प्लेस व्हेन सनलाइट. ग्लास स्लैब में से डिस्पर्जन नहीं होती आपको पता है, तो एक ही केस था जिसमें स्लैब थी बाकी तीनों में प्रिज्म है, तो स्लैब वाला आंसर था बी पार्ट. अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, पहले की फोकल लेंथ है 1 मीटर, इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -1 मीटर. फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज व्हाट? देखो ध्यान से, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन वन ओवर है, पावर जीरो है, पावर जीरो है, पर वन ओवर फोकल लेंथ जीरो है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हुई. इसका आंसर जीरो नहीं है, पावर जीरो है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो. ये नोट करिए आंसर इनफिनिटी है इसका. देखो ऐसे क्या क्लियर नहीं है पूछो. वन ओवर एफ जीरो है ना आपका, वन ओवर एफ पावर होती है वो जीरो है, तो वन ओवर एफ अगर जीरो है तो एफ कितना हुआ? 1/0.
एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट. तो ये इनफाइनाइट है. अगला वही है मिरर फॉर्मूला, पहले बता दिया मैंने आपको. इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब विच इज करेक्ट, आई इक्वल टू ई,